Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we'll study chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom by William Elliot Griffiths. This is a chapter from 7th Standard Honeycomb English NCERT CBSE textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है. इस वीडियो में हम चौथा पार्ट करेंगे द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम को ब्लूम का. ये इसके ऑथर है विलियम एलियट ग्रिफिस. ये सातवीं कक्षा की इंग्लिश की NCERT CBSE टेक्स्टबुक में से है. Friends, thanks for being on Gyan Guru Vani. Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for future notifications. दोस्तों मेरी चैनल पर रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए. The chapter, The Ashes That Made Trees Bloom, it will give you an idea exactly about some kind of magical ashes that made trees bloom. You might really think about it, but yes, this is something related to that topic. This chapter is about a very old farmer who has a very small little dog. He's a nice loyal dog of this farmer and he finds a nice little treasure for him, but due to some circumstances he dies, and after he dies as well his ghost or his spirit tries to help the farmer. दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी है. इसमें कहते जैसे स्टोरी का नाम है एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. ये ऐसी राख होती है जिससे पेड़ भी फिर से खिल जाते हैं. तो सच में ये स्टोरी उसी तरह की राख है जो एक कुत्ते की होती है. ये कुत्ता एक अपने मालिक का होता है, एक जो एक गरीब फार्मर होता है, लेकिन उसके मौत होने के बाद भी उसकी राख इस फार्मर को काम आती है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. आई विल ट्राई टू टेल दिस चैप्टर एज अ स्टोरी सो इट विल बी इन योर माइंड वेरी नाइस एंड ईजिली एंड यू वोंट हैव टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक. दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सी चैप्टर है. इसको आप एंड तक ज़रूर पढ़िएगा, एंड तक ज़रूर सुनिएगा. मेरी आशा है कि आपको टेक्स्ट बुक को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा. इतनी अच्छी तरह से मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझा दूंगा. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. ये daimyos के ज़माने की बात है. daimyos ज़मींदार को कहते हैं जापान में. ये उस ज़माने की बात है जब एक बूढ़ा कपल के पास एक पालतू पेट हुआ करता था जो एक कुत्ता था. Having no children, they loved it though it was a baby. उनके पास कोई औलाद संतान नहीं थी, इसलिए इस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह ही वो लाड़ प्यार और दुलार करते थे. The old dame made it a cushion of blue crepe and at a meal time Muko, for that was its name, could sit on it and snug it as a cat. लेकिन जब खाने का समय होने का तो मूको जो इस कुत्ते का नाम था वो एक कुशन पर बैठने का एक छोटे से तकिए पर, ये तकिया ब्लू क्रेप से उस बूढ़ी औरत ने बनाया था, तो इसी पर बैठकर एक उस मील को उस सूप को कहते हैं ना बिल्ली की तरह चाट कर खा जाता था. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature loved its protectors like it began with a soul. तो ये दयालु व्यक्ति जो थे दोनों भी, वो मच्छी के बचे हुए छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको tidbits वो अपनी chopsticks से ही खिलाते हैं. अभी chopsticks वो लकड़ियाँ हैं जिससे जापानीज लोग खाना खाते हैं, और उसी लकड़ियों से जो वो खुद भी खाते थे, और उबले हुए राइस भी वो chopsticks से इस कुत्ते को खिलाते थे. और इतनी प्यार लाड़ दुलार से जिस तरह से इस कुत्ते को म्यूको को ट्रीट करते थे, वो कुत्ता भी अपने आप को एक ह्यूमन फीलिंग्स होने के वजह से अपने आप को एक ही सोल मानता था, उनसे जुड़ा हुआ मानता था. The old man, being a rice farmer, went daily with his hoe and spade into the fields, working hard from morning until oat and samo had gone down behind the hills. Oat and samo means the sun. तो ये बूढ़ा आदमी जिसने राइस उगाए थे, सुबह से शाम तक अपनी कुहाड़ी फावड़ा लेकर वो खेत में जाके काम करने का, और तब तक काम करने का जब तक सूरज नहीं ढल जाता है.
Every day the dog followed him to work and never once harming the white herons that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. रोज़ वो कुत्ता इस फार्मर को फॉलो करने का उसके खेत में जाते जाते और जो वाइट बगले जो होते हैं जो उसके पीछे पीछे चलने के इस ओल्ड मैन के जो वॉर्म्स खाते थे इस कुत्ते ने कभी उसको उनको भी ट्रबल नहीं किया था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेटेंट एंड काइंड ऑफ एवरी थिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्नड अप टू सॉर्ट ऑन पर्पज टू गिव फूड टू बर्ड्स. ये एक दयालु ओल्ड आदमी था जिसको हर वो चीज़ जिसमें जान हो उससे बहुत दया करुणा भावना थी और अक्सर वो सॉर्ट मतलब एक खाने की घास फूस होती है जो पक्षी को दिया जाता है तो वो सॉर्ट जानबूझकर उस पक्षियों के लिए भी छोड़ देता था ताकि वो उससे अपना निवारण कर सके. One day, the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन ये कुत्ता उसके पास भाग भाग के आया और अपने पंजे उसके पैरों की तरफ रखकर किसी चीज़ जो उसके पीछे थी उसकी तरफ इशारा कर कर उस ओल्ड मैन को बोल रहा था. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. पहले इस आदमी को लगा कि ये कुत्ता ये जो उसका पालतू कुत्ता है वो खेल रहा है इसलिए उसने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. But the dog kept on winning and running to and fro for some time. लेकिन कुत्ते ने बार बार ये चीज़ चालू ही रखी और आगे पीछे दौड़ता ही रहा. Then the old man followed the dog a few yards to the place where the animal began a live scratching. तो फिर ये बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे उस जानवर के पीछे जाता है कुत्ते के पीछे जो कुछ यार्ड्स दूर कुछ डगल दूर ही वो कुत्ता वहाँ जोर जोर से कुछ स्क्रैच करना खुरेदना चालू कर देता है खोदना चालू कर देता है. Thinking it was possible a buried bone or a bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth. When lo, a pile of gold gleamed before him. ऐसे सोच के उस आदमी ने अपने जो कुहाड़ी जो खोदने के लिए लाया था उसे जोर से जमीन में डाला ये सोच के कि शायद अंदर एक हड्डी का टुकड़ा हो या कुछ मछली का थोड़ा सा पीस हो लेकिन अंदर से चमकता हुआ गोल्ड बाहर आया. Thus in an hour the couple were made rich. एक ही घंटे में ये कपल अमीर बन गया. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plenty to their poor neighbors. ये जो दयालु आत्माएं थी दोनों ने भी उन्होंने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा अपनी फ्रेंड्स के लिए पार्टी की उनको डिनर करवाया और बहुत सारा चीज़ें अपने नेबर्स को भी बांटा. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. वो उस कुत्ते को लाड प्यार से थपथपाते ही रहे. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always nagged and scolded the old dog whenever any passed their house. तो उस गांव में एक और कपल रहता था वो बहुत ही क्रूर थे दयालु ज़रा भी नहीं थे और उसकी वाइफ भी वैसी थी और उनको इस कुत्ते से तो बहुत ही नफरत थी. जब भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से निकलते तो ये उनको उस कुत्ते को चिल्लाने के और लात भी मारने के. हियरिंग फॉर द नेबर्स गुड लक दे कोएक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड गेट बिफोर हेम बिट्स ऑफ फिशेज एंड अदर डेंटीज होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम. जब उन्होंने इस बूढ़े कपल के बारे में सुना और उनके गुडलक के बारे में सुना तो उन्होंने उस कपल के कुत्ते को पकड़कर खींचकर अपने गार्डन में लेके गए उसको अच्छे अच्छे फिश भी खिलाई ये सोच के कि वो भी उनके लिए कुछ ट्रेजर वेजर ढूंढ के लेगा. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. लेकिन ये कुत्ता इन कपल से बहुत डरा हुआ रहता था उसको पता था कि ये अच्छे लोग नहीं हैं इसलिए वो ना ही वहाँ से हिला और कुछ किया भी नहीं उसने. Then they dragged him out of the door, taking a spade and hoe with him. No sooner had the dog got near the pine tree grown in the garden than he began to paw and scratch the ground as if the mighty treasure lay beneath. तो जब उन्होंने घसीर के इस कुत्ते को बाहर निकाला वो कुत्ता जाकर पाइन ट्री के पास जोर जोर से पाइन ट्री एक जा पेड़ की प्रजाति है वहाँ जाकर उसको खोदने लग गया ग्राउंड के नीचे. तो ग्राउंड के वहाँ जब खोदने लग गया तो इनको लगा कि जैसे कोई बड़ा खजाना उसको मिल गया हो. Quick, quick, wife, hand me the spade and hoe. और उसको आदमी अपनी बीवी को कहता है जल्दी हो कुल्हाड़ी और फावड़ा मुझे दे दो. Cried the greedy old fool as he danced with joy. और वो रोने लग गया खुशी के मारे और वो नाचने भी लग गया वहाँ पर.
Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hole began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell which made them drop their tools and shut their noses. बाद में ये greedy आदमी और वो greedy औरत जो cruel थी दोनों ने खोदना चालू कर दिया. खोदते खोदते उनको एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा वहाँ मिला और उस बिल्ली मरी हुई बिल्ली का बच्चे की स्मेल इतनी गंदी थी कि उन्होंने अपने हाथ के औजार नीचे डाल दिए और अपने नाक बंद कर दिए. Furious at the dog, the old man kicked him and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. इससे गुस्सा होकर उस आदमी ने उस कुत्ते को लात मार मार के मार दिया और बच्चा कुचा काम उस औरत ने कर दिया, जिससे उसने होल लेकर उसको उसका सर अलग कर दिया और फिर उस कुत्ते को उसी होल में दफना दिया जहाँ से उनको वो मरी हुई बिल्ली का बच्चा मिला था, और उस पर मिट्टी भी डाल दी. करकैस का मतलब है उस कुत्ते की बॉडी, जो किसी जानवर की बॉडी जब बच जाती है उसको करकैस कहते हैं. तो उसके करकैस पर मिट्टी डालकर उस पर एक छोटा सा हीप भी बना दिया. The owner of the dog heard the death of his pet and, mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. जब उस कुत्ते के असली मालिक को पता चला कि उसका ये कुत्ते की मौत हो गई है, वो बेचारा रुदन से रोने लग गया, और जैसे उसने अपना बच्चा ही खो लिया है वैसे उसकी याद में उस पाइन ट्री के नीचे पहुँच गया. He set up some bamboo tubes in the ground, such as they are used before tombs, in which he put fresh flowers. तो वहाँ उसने बेम्बू ट्यूब्स का एक ट्यूब्स भी वहाँ रख दिए, जैसे वो बाकी मकबरों के आगे टोम्स के आगे करते हैं, और उसमें कुछ फ्लावर्स भी डाल दिए. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रूव एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ एसेंस. वहाँ फिर उसने थोड़ा सा पानी भी रखा और खाना भी रखा और कुछ महंगे अगरबत्तियाँ भी वहाँ जलाई. ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर द पेट, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वॉज अलाइव. वहाँ वो बहुत ही बुरी तरह से रुदन से रोता है, इतने प्यारे प्यारे नाम भी उसको बुला रहा है जैसे वो अभी जिंदा ही हो. That night the spirit of the dog appeared to him in the dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. तो उस रात उस कुत्ते की आत्मा उस अपने मालिक के सपने में भी आई और उसको कहती है कि मेरा जो जिधर आपने मुझे दफनाया है, जो ग्रेव है मेरा, उसके ऊपर जो पाइन ट्री है उसको आप काट दो और उसमें से एक मोर्टार बनाओ हथौड़ा, जिससे आप राइस पेस्ट्री बना सको, और मिल बनाओ अपने बीन सॉसेस के लिए. तो वहाँ मिल बनाने की वो सलाह भी देता है अपने मालिक को. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. फिर उस आदमी ने उसका लकड़ी को काट दिया और उसके टहने में से 2 feet लंबा मूसा तोड़ लिया. विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चेजल, ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल. तो बड़ी मेहनत से कशमकद से उसने उसमें एक हॉलो प्लेस भी बना दिया जैसे एक बाउल में होता है. देन ही मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड सच एज इट इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस. फिर उसने एक हथौड़ा भी बनाया जो उसने राइस को कूटने के लिए जो काम आए. वेन New Year's time dear drew new, he wished to make some rice pastry. जब न्यू ईयर का टाइम नज़दीक आया उसने सोचा कि अब कुछ राइस पेस्ट्री बनाते हैं. When the rice was all boiled, granny put it into the mortar and the old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the bowl fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. जब उसने मोटर के अंदर ये बाउल के अंदर राइस भरे और ग्रानी ने वो मोटर भी हाथ में दिया ताकि वो जोर से हथौड़ा उस पर मार के उसको डिग करे और रेडी हो जाए, तब ये बाउल अचानक से हैवी हो गया और पेस्ट्री से भर गया था. एंड ही वॉज रेडी फॉर बेकिंग. तो वो बेकिंग के लिए उसको भूनने के लिए भी रेडी हो गया था ताकि वो भट्टे में अंदर डाले. सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइंस. अचानक से वो राइस पेस्ट्री सोने के सिक्कों का बड़ा सा ढेर बन गया बाउल के अंदर. When the old woman took the handmill and filling it with the beans began to grind, the gold dropped like rain. जब उस औरत ने वो हैंडमिल हाथ में लिया और उसको ग्राइंड करने की शुरुआत के बाद की अपने बीन्स को, तो वहाँ सभी सोने के सिक्के बारिश की तरह से बरसने लग गए.
Meanwhile, the envious neighbors peeped into the window when the boiled beans were being ground. उस वक्त इस ये जो जलन होने वाले जो नेबर्स थे उन्होंने विंडो के अंदर झाँक के देखा तो ये कैसे ग्राउंड में बीन्स धीरे धीरे सोने के बन रहे थे. गुडी मी, क्राइड ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इंटू येलो गोल्ड. Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. तो बोल रहे अरे बाप रे देखो क्या हो रहा है. धीरे धीरे उसने देखा कि जो ड्रिपिंग सॉस था वो जो टब में नीचे भर रहा था धीरे धीरे वो पूरा सोने से भर रहा था. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. और ये बुजुर्ग जो पुराने का जो ओल्ड कपल थे वो फिर से अमीर बन गए. द नेक्स्ट डे स्टिंगी एंड विकेड नेबर्स केम एंड बोरो द मोटर एंड मैजिक मिल. उस दिन ये दूसरे दिन सुबह ये दोनों ही कंजूस मक्खी चूस नेबर्स पड़ोसी उनके पास आए और उन्होंने उनसे वो मोटर और मैजिक मिल थोड़ी देर के लिए उधार मांगी. दे फिल्ड वन विद बाउल राइस एंड अदर विद बीन्स. उन्होंने फिर एक में बाउल राइस भरा और दूसरे में बीन्स भरे. देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमेन बिगन टू ग्राइंड. फिर वो बूढ़े आदमी ने पाउंड उसका उस जोर जोर से ठोकना चालू किया और औरत ने उसको ग्राइंड करना भी चालू किया. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू फाउल मास ऑफ वॉर्म्स. पहले ही झटके में क्या हो गया कि वो सॉस और पेस्ट्री अचानक से कीड़ों से भरा हुआ बाउल बन गया. स्टिल एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस एंड बर्न्ड इट विद फायर. इससे गुस्सा होकर उन्होंने मिल को जला दिया और उसमें आग भी लगा दी. टू यूज इट फॉर फायरवुड. वो लकड़ी को खाना बनाने के लिए काम के लिए जलाने के लिए उन्होंने लकड़ियाँ भी समेट के रख ली अपने साथ. Not long after that, the old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. कुछ दिनों बाद ही वापस उस आदमी के सपने में, उस बूढ़े आदमी के सपने में उस कुत्ते की आत्मा आई. उस आदमी ने अपनी तकलीफें बताई कि कैसे उस बूढ़े बाजू में जो कंजूस लोग रहते हैं, विकेट लोग हैं, बुरे लोग हैं, उन्होंने उनकी मिल और पेस्ट्री का पाइन ट्री के बने हुए सारी चीज़ें ले ली. टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द स्पिरिट डॉग. वो डॉग उसको कहता है सपने में ही कि उस ऐश वो जो मिल के जो लकड़ी जलाई दी थी उसमें से वो राख बनी है, उस राख को आप ले लो और जो विदर्ड ट्रीज है जो बंजर हो गए हैं सूखे हैं उन पर जब आप ये राख डालोगे तो वापस वो ब्लूम हो जाएंगे, वापस खिल उठेंगे. ऐसा उस डॉग के स्पिरिट ने उसको बताया. The old man awoke and wept at once at his wicked neighbor's house when he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor smoking and spinning. तो जैसे ही वो आदमी खड़ा हुआ उस नेबर के घर पे वो चला गया. वहाँ उसने उस मिजरेबल कपल्स को देखा. वो लोग कोने में बैठे हुए थे फायर प्लेस के पास पे और वहाँ फूक रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे, वो सुट्टा वुट्टा मार रहे थे, टाइम पास कर रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म्ड देयर हैंड एंड फीट विद द ब्लेज. समय समय जाते उन्होंने अपने हाथ और पैर वो सेक रहे थे उस ब्लेज से, उस मोटर की अग्नि से और मिल से, मिल के बने हुए लकड़े से. Some bits of the mill, while behind them lay a pile of broken pieces. तो उस लकड़ी वो आग जो जला रहे थे वो मिल के जो टुकड़े पड़े थे लकड़ी के उसी से वो आग जला रहे थे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आज देम फॉर दी एशेज. ये बुजुर्ग अच्छे आदमी ने उनको पूछा कि रिक्वेस्ट की कि आप मुझे वो राख दे दो. दो द कन्विजियस कपल टर्नड अप देयर नोजेज एट हेम एंड स्कोल्डेड हेम एज इफ इट वॉज अ थीफ. दे लेट हेम फिल द बास्केट विद दी एशेज. उन्होंने फिर उस बूढ़े कपल ने बूढ़े कपल ने उस अच्छे आदमी को डांटा भी, इस तरह डांटा से वो कोई चोर हो. फिर उसने एक बास्केट भर के उनको राख लेने भी दिया. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. घर पे आकर ये बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को गार्डन में लेके जाता है. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर. विंटर का समय होने की वजह से उनका जो चेरी का ट्री है वो एकदम सूखा था. ही स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एश ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विथ परफ्यूम द एयर. वहाँ से वो थोड़ी राख लेकर उस चेरी ट्री पे डालता है और लोग कुछ ही देर में वो खिल उठता है और ब्लूम उठता है जैसे वो अभी अभी खिला हो और वहाँ से पूरा पिंक कलर में हो जाता है और पूरी हवा में भी परफ्यूम उसकी सुगंध फैल जाती है. द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी दी वंडर. ये सारी खबर पूरे गाँव में फैल गई और ये अचरज भरी चीज़ सब कोई दौड़कर देखने वहाँ पहुँच जाते हैं. The covetous couple also heard the story and gathered up the remaining ash of the mill.
kept them to make the withered trees bloom. अब ये जो बुरे कपल थे उन्होंने भी ये आवाज़ स्टोरी सुन ली, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो बची हुई मिल में से जो राख थी वो भी अपने पास रख ली, ये सोच के कि वो भी पेड़ों पर डाल के उनको ब्लूम कराएंगे. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट इज लॉर्ड द डीएमओ वॉज पासिंग थ्रू द हाई रोड नियर बाय. ये अब ये बूढ़ा आदमी को पता चलता है कि उसका डीएमओ जो लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है, वो वहाँ से गुजरने वाला है, तो वो उसकी भी तैयारी में लग जाता है. द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग इज बास्केट ऑफ एशेज. तो उनको पता चला कि डीएमओ जो है उनके गांव के पास से गुजरने वाले हैं, तो उसका बास्केट भरा हुआ जो राख से था वो लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं. एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम्ड अपॉन इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री एंड स्टूड बाय द वे साइड. जब ट्रेन वहाँ से नज़दीक आ रही थी वो एक पुराने सूखे से चेरी ट्री पर चढ़ जाता है और वहाँ पर रुक जाता है. नाउ इन द डेज ऑफ द डीएमओज इट वॉज द कस्टम वेन देयर लॉर्ड पास बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज. ये उस टाइम की ये प्रथा थी कि जब डीएमओज वहाँ से गुजरते हैं, जो वहाँ के लॉर्ड वहाँ से गुजरते हैं, तो हर लोगों को अपनी विंडोज़ ऊपर वाली विंडोज़ बंद कर देनी चाहिए. देन इवन दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट एंड द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप. तो वहाँ वो ये प्रथा थी कि जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो उनकी नज़र भी झुकी हुई नहीं चाहिए, आँख से आँख मिलाकर देखना नहीं चाहिए. ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्टर्ड अंटिल द प्रोसेशन पास बाय. हर वो व्यक्ति जो वहाँ से जब ये लैंडलॉर्ड्स गुजरते हैं वो अपने हाथ जोड़कर घुटनों पर नीचे की तरफ बैठकर वो उसी पोजीशन पर रहते हैं जब तक ये लैंडलॉर्ड्स ये डीएमओज वहाँ से गुजर नहीं जाते हैं. द ट्रेन ड्रू नियर. धीरे धीरे ट्रेन नज़दीक आती है. अ टॉल कॉम्पिटेंट मैन मास्ट हेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज गेट डाउन ऑन योर नीज एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग. तो एक हट्टा कट्टा बड़ा आदमी वहाँ से आगे आगे चलता है और ज़ोर ज़ोर से लोगों की तरफ चिल्ला के कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अपने घुटनों पर बैठ जाओ. और जैसे जैसे ये प्रथा चल रही थी हर कोई व्यक्ति वहाँ अपने घुटनों पर बैठ जाता है. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज मैन अपॉन द ट्री. उस वैन का जो लीडर था वो अचानक उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो वो ओल्ड कपल का वो जो आदमी था वो ट्री पर चढ़ा हुआ ये उसने देख लिया. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंगर टोन बट सीइंग दी सच वॉज सच ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड बाय हिम. वो उसको जोर से गुस्से से बुलाने वाला था लेकिन उसने सोचा कि ये एक बूढ़ा आदमी है और ये कुछ करेगा नहीं, तो उसने उसके इस तरफ बर्ताव किया जिससे उसको देखा ही नहीं और वहाँ से निकल गया. सो वेन द डीएमओज पेलिक्विन ड्रू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज विद दिस बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री इन अ मोमेंट इट बर्स्टेड इन टू ब्लॉसम. जब ये डीएमओ की गाड़ी वहाँ पे वैन रॉयल वैन वहाँ पे चैरिट आगे आई तो इस बूढ़े आदमी ने उस पिंच चुटकी भर ऐश लेके उस पेड़ पर डाली जिस पे वो खड़ा था. अचानक से वो पूरा ट्री ब्लॉसम हो गया और वहाँ से अच्छी सुगंध आने लगी. द डिलाइटेड डीएमओ ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गेट आउट ऑफ टू सी दी वंडर. ये देखते ही डीएमओ ने ऑर्डर किया कि ट्रेन को अभी रुकाओ और उसको ये अचरज भरी चीज़ देखनी थी. अब इस बूढ़े आदमी ने जैसे ही उस ऐश डाली तो पेड़ में फूल खिल गए और फूल उस डीएमओ ने देखे तो उसको लगा जैसे मेरे वेलकम के लिए ही ये इसने किया है. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स स्पॉन्ज केक्स फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन टू हिम. ये देखकर वो खुश हो गया. उसने उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया, उसको प्रेजेंट्स दिए, सिल्क रॉब दिए, केक बनाई, फैंस दिए और बहुत सारे और रिवॉर्ड्स भी दिए. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू द कैस्टल. उसने बोला कि आप मेरे महल पे भी आना, हवेली पर भी आना. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. सो ये खुशी के समाचार वो घर पे जाके अपनी बीवी के साथ भी शेयर करता है. बट वेन द ग्रीडी नेबर्स हर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे. लेकिन जब ये ग्रीडी पड़ोसी ने ये चीज़ सुनी उसने वो मैजिक ऐश लेकर हाईवे पर चला गया. देयर ही वेटेड अंटिल द डीएमओज ट्रेन केम अलॉन्ग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ब अ विदर्ड चेरी ट्री. और वहाँ उसने राह देखी जब तक डीएमओ की ट्रेन आ नहीं जाती और वहाँ घुटनों पर बैठने की जगह पर वो फिर से उस कोई एक विदर्ड चेरी ट्री पर चढ़ जाता है जो सूखा हुआ होता है. देन द डीएमओ हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली
directly under him. He threw a handful of ash over the tree, which did not change a particle. जब वो DMO exactly उस tree के नीचे आया, इस आदमी ने मुट्ठी भर के वो राख उस पेड़ पर डाली, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं हुआ. The wind blew the fine dust into the nose and eyes of the DMO and his wife. और हवा के झोंके ने ये राख के टुकड़े उस DMO की वाइफ के नाक में और आँख में चले गए. Such sneezing and choking, ऐसे जोर से वो लोग छींकने लगे और उनका गले में भी घुटन होने लगी. It spoiled all the pomp and the dignity of the procession. पूरा मज़ा वहाँ किड़किड़ा हो गया. The man whose business it was to cry, get down on your knees, seized the old fool by his collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him to die. वो जो आदमी का जो काम था कि हर किसी को बोलता था कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, उसने इस मूर्ख आदमी को कॉलर से पकड़ के पेड़ से नीचे जोर से उठा के जोर से नीचे कूड़े में डाल दिया. वहाँ रोड पे दफना उस तरह से उसको मारता रहा जैसे वो वहाँ मरने के लिए बाद में उसको छोड़ दिया, इतना मारा उसको. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend and the old dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to be a green old age. वो बूढ़ा बुरा आदमी वहीं वो मट्टी में ही ढेर बन के मर जाता है, और ये वो अच्छे कपल जो कुत्ते के साथ शांति से अभी आगे रहना शुरू करते हैं, और उनकी आगे की बूढ़ेपन की ज़िंदगी भी अच्छे से बीतती है. दोस्तों, हम जानते हैं कि हम अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा भी होता है. हर किसी निर्जीव मूंगे प्राणी के साथ भी हमारा बर्ताव अच्छा होना ज़रूरी है. फ्रेंड्स, वी नो दैट इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी नाइस टू अदर्स, एंड इवन इफ इट्स एन एनिमल और बर्ड, इट्स ऑलवेज हेल्पफुल दैट be nice with every living being on this earth. Friends, the chapter finishes over here, and the video even if you have any doubts, do revisit the video again. दोस्तों, ये chapter यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको इसमें कोई doubt हो तो video फिर से play ज़रूर कीजिएगा. Thank you and have a nice day. Bye.